हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं शेख मुख्तार, आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। लेबर कॉलोनी, आपने तो नाम सुना होगा, ये एक बस्ती है जहां जो एक परसों के दिन जो है महानगर पालिका ने एक बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड में वो लिखा हुआ है कि ये 8 तारीख को जो है बस्ती जो है खाली कर दीजिए। यहाँ के जो बस्ती वाले जो लोग हैं, रहवासी हैं, बहुत घबराए हुए हैं और बहुत ही परेशानी में है। इन ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। बताइए मौसी। हे काल जी, जे नोटीस लावलेली होती ना ते बघून आम्ही तर एकदम हा पकलो। आटे की 70 वर्षाचं वय आहे माझं, पण आमच्या घरचे वारून 10-15 वर्ष झालेले। मग आम्ही एकदम असं कसं काय ह्या लोकांनी केलेलं आहे, आमची काहीतरी सोय लावली पाहिजे ना, कुठेतरी आम्हाला घरं घेऊन द्यावी, आम्ही खाली करून जाऊ। आणि काय खाणार आणि काय पिणार, आम्ही भाडे आणि कुठं राहणार आहे, भाडं कुठून द्यायचं आम्ही? आप बताइए। क्या कहेंगे आप? हम अलोकेटेड गवर्नमेंट बोल के यहाँ आए हुए हैदराबाद से, और हमारे पिताजी दफ्तर बन बोल के कमिश्नर ऑफिस में थे और वहाँ से रिटायर हुए। हम भी नौकरी करके 37 साल की नौकरी करके हम भी रिटायर हुए। अब हमने जाना कहा, हमारे पास कुछ भी 1 रुपये की ज़मीन नहीं है, हमने जाना कहा। इन्हों अगर 8 तारीख को तोड़ के हमारा सामान अगर रोड पर रखे तो रोड पर रहने वाले हम। तो आपको ऐसा क्यों खाली करा रहे हैं? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर नहीं है, क्या कहना है उनका? ये कुछ बता रहे ही नहीं, 8 तारीख को हमको खाली करना है बोल के बोल रहे बस। आपने उनसे पूछा नहीं? नहीं तो वो बता रहे नहीं ना, सिर्फ रात को 12 बजे आके बोर्ड लगा के जा रहे, और रात को 12 बजे सब लोग सोए बेच रहे थे। आपको पता ही नहीं लगा कि उन्होंने बोर्ड लगाया, कब चले गए? हाँ, सवेरे उठ के जब देखे हमने बोर्ड। ठीक है, आप बोलिए। मधुकर आबाजी काथार, ये रहवासी आप? काथार मराठी। ये परवा त्यांना कलेक्टर साहेबाने बोर्ड लावलं आहे, नोटीस दिली की 8 तारखेपर्यंत खाली करा। आता आम्ही आला रिटायर होऊन सनी झाले 18 वर्ष। आता आम्हाला घरदार नाही, आम्ही राहू कुठं? आणि सण ऐन दिवाळी पाहून त्यांना नोटीस लावली तर आमची पदाची व्यवस्था शासनाने करावी, आम्ही खाली करायला तयार आहे। आता आमचे वय झालं, काही लोक आजारी पडले, काही लोक ॲडमिट झाले, तर त्याच्या शासनाने काय करावा? अभी कितने साल हो गए आपके बस्ती में रह के? मेरे को 1952 साल हो गए मेरे को यहाँ रह के। 1970 में यहाँ आए हम, और अभी 2021 चल रहा है, 52 साल हो गए यहाँ रह के। हमको मकान नहीं, हमने जाना कहाँ? आज रिटायर हो गए हम। आई सेटर में अगर उन्होंने कलेक्टर ने नोटिस दिए हमको, अगर हार्ट अटैक आया तो गवर्नमेंट क्या करेंगे उसमें? हम तो जान से चल जाएंगे ना, तो शासन क्या करेंगे? पर्याय व्यवस्था आमची करा शासनाने, आम्ही जर राहलदार आहे, याच्या पलीकडे आमचं काही म्हणायचं नाही। हा बघा, देखो ये जो मसला है लेबर कॉलोनी का, ये कम से कम 80-90 साल पहले से चालू है, ये कम से कम 50 साल हो रहे, 45 साल। और उसके अंदर गवर्नमेंट ने बताई कि हर 12 जिलों के अंदर नाम पे हो गए, अब 13 जिला बाकी है, तो ये नाम पे कर रहे नहीं है, क्योंकि सबका होगा, ये क्यों नहीं कर रहे भाई? और रात को क्यों लगा रहे तुम बोर्डा? रात के 12 बजे पुलिस फोर्स लगा रहे, तो इसमें क्या चोरी का काम है ये? तो लगा दिन दयाल क्यों नहीं लगा रहे, गवर्नमेंट का है तो? और इसके अंदर BNC वाले अलग हो गए, और अपने नगर पालिका वाले उसके अंदर वो कर रहे, तो इसके हमारे लोग जागना का। और जो रहवासी है, जो रहने वाले अलॉटमेंट लेटर वाले जो भी रहने वाले हैं, उनको पराई जगह दो दूसरी तरफ, हम घर खाली करने के तैयार है। तुम हमारे लिख के दो कि भाई तुम्हारी जगह फलानी जगह दे रहे, कि हमका जगह दे रहे, अरे ये तुम जाओ, हम जाने को तैयार है। और तुम आगे बुलडोजर लगाएंगे तो बुलडोजर के लोग सब बुलडोजर के लिए मरने को तैयार है ना, यहाँ लोग जाएंगे कहाँ पर? नासिर भाई आप बताइए। देखिए, लेबर कॉलोनी ये कई सालों से बसी हुई एक बस्ती है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों को जैसा इन्होंने अलॉट किया था, और इनको बार बार बोलने के ऊपर के कई ऐसी मिसालें हैं जो गवर्नमेंट ने ऐसे हाउसेस को अलॉट कर दिया परमानेंटली, तो ये डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखने के बाद में भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ज़मीन माफियाओं का एक बहुत बड़ा एक जत्था है जो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, और वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैनेज कर रहा। और यहाँ का तो कॉरपोरेशन का दस्ता तो आपको मालूम है कि ये एक सुपारी किंग के अंदर में चलता, मैं उसका नाम डायरेक्टली ऑफिसर का लूँगा, रविंद्र निकम जो है, ये यहाँ का एक सुपारी किंग जो है अतिक्रमण का दस्ता। रात में 11 बजे इसका क्या काम है? कौन सा ऑफिशियल टाइम था कि रात में 11 बजे आकर इसने फोर्स के साथ में 12 बजे रात के अंदर आके आप जो है तो लोगों को डराने का काम कर रहे हैं? आपके अंदर हिम्मत है तो दिन में क्यों नहीं आए आप लोग? जब ऑफिशियल काम था, सरकारी काम था, तो 11 बजे कौन सा सरकारी ऑफिस चालू रहता और
जो है तो आपको परमिशन है कि रात में 11 बजे आप ऑफिशियल काम करेंगे। देखिए यहाँ के लोगों का ये जो हक है ये इनको मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिलेंगी तो जैसा कल खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कहा, दूसरे भी जो पक्ष के लोग और कोई भी आ सकते हैं इनको हक की लड़ाई दिलाने के लिए, इसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों की लड़ाई के लिए हम लोग मतलब आपकी जो पार्टी है इनके सपोर्ट में है, इनको मदद बिल्कुल बेशक, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ज़मीन की कमी नहीं है, हज़ारों एकड़ नहीं लाखों एकड़ कहीं कहीं पड़ी है उनकी। आज आ जाएगी आपको अगर कोई डिपार्टमेंट बनाना है, मंत्रालय बनाना है, तो ये बाजू के अंदर हमारे रोजाबाग के पास में जितना भी खेत का पट्टा है जो एग्रीकल्चर की लैंड है उसमें से लीजिए आप 10-5 एकड़, हज़ारों एकड़ पड़ी है आपके पास में। जो लोग बरसों से गवर्नमेंट की खिदमत किए हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगाई गवर्नमेंट की खिदमत करने में, और गवर्नमेंट ने ऐसी कई उदाहरण है मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर का ऑलरेडी उनको परमानेंटली अलॉट कर दिया, तो नांदेड़ है, परभनी है और कई जगह है, तो उसी लिहाज से यहाँ पर भी करना चाहिए। उन्होंने नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्तों के अंदर पहले इंसानों पे से बुलडोजर चलेगा, उसके बाद में घर के ऊपर चलेगा। निजाम के तरफ से भी यहाँ से 11 जो लोग आए थे उनको डायरेक्ट अलॉटमेंट दिया था और सर्विस भी डायरेक्ट मिली थी। फिर PWD में लिपिक थे, उन्होंने 40 साल सर्विस की और अभी मैं 40 साल से रहा, कंप्लीट 80 साल का ताबा है जब से बना, जब से मेरे अंडर में ताबा है, जब से मैं रह रहा हूँ तो गवर्नमेंट कभी आके पूछी नहीं ना कि भाई तुम कैसा रह रहे, कैसा रह रहे आप, कैसा रह रहे कैसा अलॉटमेंट है, पिताजी गुजरने के बाद तुम रह रहे कैसे, क्या है ये गवर्नमेंट का GR गवर्नमेंट का रूल है कि रिटायर होने के बाद महीने भर में खाना खाना चाहिए हम पेपर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमको 15 साल स्टे दिया, हाईकोर्ट ने 15 साल दिया, नीचे के कोर्ट ने 5-1 साल दिया, अब जब कुछ पेपर्स वर्क हम इसलिए दिए और आई एंड में इन्होंने उनको मिसगाइड करे गवर्नमेंट ने कलेक्टर, और कलेक्टर साहब को इसमें इंटरेस्ट क्या है, जो प्रतिनिधि जो यहाँ के जितने प्रतिनिधि हर पक्ष के CM भी देना चाहता है हमको, बेघर CM करना चाहता नहीं, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ओनली फॉर कलेक्टर, मैं नाम बोलता हूँ उधर साहब चौहान साहब जो भी है तो उनका इंटरेस्ट है इसमें, बाकी पक्ष में उन्होंने बोलते हैं हम खीसे में रखें। आप प्रशासन से क्या कहना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? प्रशासन से चाहेंगे, इसके पहले हमें 2018 में मीटिंग हुई थी, उसमें मीटिंग में ठहरा गया था इसके पहले कलेक्टर कि जो हम बेघर होने देंगे, जो जूने हैं जो पहले से रहते आ रहे उनको बेघर होने यहीं बांध के देंगे फर्स्ट क्लास करके 700 स्क्वायर फीट, तो हमने उनको 1000 बोला था, तो उसमें मीटिंग हुई थी, उसमें मीटिंग में खैरे साहब इम्तियाज़ जलील और बाकी से आमदार थे और कॉलोनी के अकरार, रात के 11 बजे मीटिंग हुई थी गोपनीय हमारी, उसमें ये ठहरा गया था। आप पूछ सकते खैरे साहब की एक बात बताइए, अभी 8 तारीख को अगर बुलडोजर लेके आते हैं महानगर पालिका के लोग तो क्या करेंगे आप लोग सर? अब उसका विरोध करें, आंदोलन करेंगे, और गांधी जी के मार्ग से जब गांधी जी अंग्रेज को वहाँ भगा सकते तो हम इनको क्यों नहीं भगा सकते, और वो कलेक्टर बंगले में हमने घर खुला छोड़ के उनको टेंट डाल के वहाँ रहने, तब तक हमको घर नहीं मिलता तब तक उन्हीं की घर में उनके 5-5 एकड़ की जमीन है, वो कमिश्नर साहब आयुक्त की 11 एकड़ है महानगर पालिका, और ये भी 150 साल पहले बने हुए हैं ना साहब, ये तो 70-80 साल पहले बने हुए, वो 150 साल बने, वो क्यों नहीं तोड़ना चाहते? अभी मैंने एक अधिकारी, मैं PWD उत्तराखंड, वो एक अधिकारी से मैंने फ़ोन किया, वो बोला तुम ये विषय उठा लो, सुभद्र गेस्ट हाउस जो पुराना है वो 150 साल पुराना है, उसका तुम इंजीनियर स्ट्रक्चर से क्यों नहीं कराते, आ जाके हमारे कॉलोनी के लिए क्यों पड़े, खुद के बंगले कराना, अभी उसके कलेक्टर उसके घर बंगले को 1 कोटी का मेंटेनेंस करके अपना घर बनाया, बस बच्ची की शादी कोरोना में करा, जो 1000 लोगों को नॉनवेज में हर चीज़ खाना खिलाया उसने। आपका नाम बताइए? किशोर सदावली। बताइए आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे? सर मेरी पैदाइश यहीं की है, 77 साल से मेरे वाली साहब यहीं पर रहे और यहीं गुजर गए जी, मेरे वाली साहब निज़ाम गवर्नमेंट से यहाँ आए थे, उनको अलर्ट हुआ था घर, यहाँ पे 11 से 17 लोग ऐसे हैं जो निज़ाम गवर्नमेंट से आए थे, निज़ाम गवर्नमेंट से आने का मतलब ये है कि उनको निज़ाम के जो लोग आते थे काम करने के लिए जॉब के लिए, तो उनको इधर उधर भटकना नहीं बोल के वो लोग प्रॉपर्टी देते थे कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट आप कहीं पर भी जाओ जॉब करने के लिए, ये एरिया है हमारा यहाँ पर रहो, जिस तरह से सऊदी में हज को जाते हैं हम लोग तो वहाँ पर रुबाब में जगह है तो हैदराबाद से फॉर्म भरना पड़ता आपको और वहाँ जाने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप रह सकते, जबकि सऊदी इतना महंगा शहर है वहाँ पर आपको फ्री रहने के लिए देते, वो वहाँ कोई पैसा नहीं लगता आपको, आप हैदराबाद से जाने के बाद वहां पर जब रहते, और यहां पे क्या हो गया है कि निजाम गवर्नमेंट की जगह है और उसको दिए थे लीज के ऊपर, इन्होंने लिए थे हमने मेंटेनेंस के लिए लेंगे BNC ने, और अचानक BNC आती है और बोलती है कि जगह हमारी है और ये हमको ताबे में दो, 12 बजे रात को निकम साहब आते हैं और बोर्ड लगा देते पुलिस प्रोडक्शन में और बोलते जगह हमारी है खाली करना है, और आप बोर्ड के ऊपर नाम डाल रहे रविंद्र निकम, मतलब ये प्रॉपर्टी निकम साहब की है या कॉरपोरेशन की है या BNC की है, खुद आप कन्फ्यूज है और आप बता रहे कि हमारी है, जबकि ये प्रॉपर्टी निज़ाम गवर्नमेंट की है और इसका हमारे पास में पुरावा है, आजकल का लेटर नहीं है, आप गवर्नमेंट को मिसगाइड करते, यही बात वहाँ पर हुई थी इनके पास में
दिलीप बंड साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर ये कॉलोनी पूरी जमींदोज कर दूंगा, और उन्होंने हमारे पेपर उठाकर फेंक दिए थे। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने पेपर लिए और स्टडी किए तो बोले भाई आप लोग सही है, हम लोग उपोषण पे बैठे थे, उसके बाद उन्होंने उनके पैर पीछे खींच लिए थे। और कलेक्टर साहब आज बता रहे हैं कि मैं ये कोई देखने वाला नहीं हूँ डॉक्यूमेंट, मैं सीधा सीधा डिमोलिश करने वाला हूँ 8 तारीख को। अब दिवाली के लिए 8 दिन रह गए, आज आप बताओ कि हर मुसलमान हिंदू एक हर इंसान यहाँ रह रहा, यहाँ पे ना सत्तार सेठ आ रहे हैं ना जयसवाल साहब, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ देखने के लिए ना, क्या है बोल के MIM के लीडर आए और देख कर गए कि भाई हमने आपको आश्वासन दिए कि आपके लिए हम करेंगे। अरे ये लोग वोट हमसे लेते और आज हमारी पीठ के ऊपर खड़े रह के रोटियां सेक रहे, एक बहुत बड़ा लैंड माफिया है यहाँ पर ये जो काम कर रहा है, क्योंकि ये करना नहीं चाहिए दिवाली के टाइम पे। आप जो काम कर रहे हैं गलत है, क्योंकि यहाँ लोग एक के बाद एक मर रहे। आप अगर स्टडी उठाकर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर टापरे मामा बोल के रहते थे, उन्होंने कहा था मैं आत्मदान कर लूँगा, एक 80 साल का आदमी बोल रहा है मैं आत्मदान कर लूँगा ये प्रॉपर्टी के लिए, क्यों? तो वो यहाँ पे अलॉटमेंट होकर आए थे, ये रह रहे थे लोग, आज वो गुजर गए यही आशा में, 70 साल से वो यहाँ पे मेहनत कर रहे थे। मेरा नाम बात बताइए, 8 तारीख को क्या करना चाह रहे हैं, क्या होएगा 8 तारीख को? ये लोग जब आएंगे हम लोग पूरे यहाँ पे बाहर रोड पर उतर जाएंगे, लेडीज जेंट्स पूरे रोड पे रहेंगे और हर समाज का रहेगा, ऐसा नहीं कि मुसलमान रहेगा या हिंदू रहेगा, हर समाज का आदमी आपको रोड पे देखने के लिए मिलेगा। नाम बोलो भैया। मेरा नाम मीर मुजफ्फर अली है। जो है हमारे साथ यहाँ के जो रहवासी थे उनसे बात करें हमने, उनका ये कहना है कि जब वोट रात में 12 बजे लगा इन्हें पता भी नहीं लगा कि वोट लगा, और ये यहाँ के रहवासी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कई सालों से रह रहे लोगों का यहाँ के जो रहवासी उनका कहने कि हम 50 साल से यहाँ पे हैं, कोई 20 साल से, कोई 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही परेशानी में है। तो ये प्रशासन से अपील करना चाह रहे कि ये जो हमारे पे जो लगाया है कि बस्ती खाली करो, तो इसे जल्द से जल्द रोका जाए। कैमरामैन असगर अली के साथ मैं हूँ शेख मुख्तार, आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार।